नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। होली त्योहार को लेकर रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी ने होलिका दहन में गोबर से बनी लकड़ियों का उपयोग करने की अपील की है। इस अनूठी पहल की शुरुआत रीवा कलेक्टर के द्वारा की जा रही है, जिसमें उनके द्वारा जिले वासियों से गोबर से बनी पवित्र लकड़ी का उपयोग करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि जिले के नागरिक होलिका दहन में वृक्ष की लकड़ी के स्थान पर गोबर से बनी लकड़ी का अधिक से अधिक उपयोग करें। उन्होंने कहा कि गोबर से बनी लकड़ी के उपयोग से जहां पर्यावरण को संरक्षित रखने में मदद मिलती है, वहीं दूसरी ओर गौशाला में बेसहारा गौवंश के जीवन निर्वाह में योगदान दिया जा सकता है। परंपरागत रूप से भी होलिका दहन में गोबर से बने उपले का उपयोग किया जाता रहा है। कलेक्टर ने बताया है कि जिले में लक्ष्मण बाग गौशाला और बसामन मामा गौशाला अभ्यारण्य में गोबर की लकड़ी उपलब्ध है। गोबर से बनी लकड़ी की कीमत 20 रुपए प्रति किलो निर्धारित की गई है। वहीं दूसरी ओर रीवा सांसद ने त्योहार को नशे से दूर रखने की बात कही है। इस बार हमारी लक्ष्मण बाग और बसमन मामा दो गौशाला है, वहाँ हम लोग अतिरिक्त ना गोकास्ट ना बनाने के मशीन से ना इंस्टॉल किए हैं। गोकास्ट बनाए जा रखा है। लगातार हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग लकड़ी और चीज़ें चलाते हैं, मतलब उसके कारण प्रदूषण भी फैलता है, बट ये आसानी से सस्ती से मिल रही है। सो लोगों से अनुरोध है कि दोनों संसार से निर्धारित दर से आप लोग ना प्राप्त कर सकते हैं और बिना प्रदूषण का गोकास्ट है ना यूज़ करते हुए होली मना सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार। श्री शक्ति गृह उद्योग उतैली सतना, हमारा लक्ष्य हर बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराना है। हमारे यहाँ करीब 200 प्रकार की छोटी बड़ी मशीनें उपलब्ध हैं। किसी भी जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 7024159599। ISO सर्टिफाइड श्री शक्ति गृह उद्योग यादव धर्म कांटा के पीछे उतैली सतना मध्य प्रदेश।